हाय फ्रेंड्स, सरकार ट्रेडर्स चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। सरकार ट्रेडर्स चैनल में आज जिन टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, ये टॉपिक तो सभी को पता है, लेकिन इसका असर, इसका इफेक्ट किस तरह का मार्केट के ऊपर पड़ सकता है, ये समझाने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो दोस्त, जिन लोग फर्स्ट टाइम सरकार ट्रेडर्स चैनल को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि पूरा वीडियो जरूर देखें। और आपको निफ्टी बैंक निफ्टी वीडियो चाहिए तो हर रोज निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर अगला दिन कैसे प्रेडिक्शन हो सकता है, इसके बारे में हम अपलोड करते हैं। आपको अगर इंटरडे में कॉल चाहिए तो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्त, ये खबर तो आप लोगों को पता चले गए होंगे कि आज रात को 12 बजे से सभी घरेलू उड़ान बंद हो चुके होंगे। ओके, तो आज रात को 12 बजे से सभी घरेलू उड़ान को बंद रद्द कर दिया जा रहा है। और इसका आगे क्या होगा, कोरोना वायरस का जो डर बना हुआ है पूरी वर्ल्ड में, जो फैला हुआ है, इसका डर से बचने के लिए सरकार एक से बढ़कर एक कदम उठा रहे हैं। और शायद कुछ हद तक हमें इससे रिलीफ मिल सके, और हम लोगों को भी समझना चाहिए कि इससे हम कैसे बचे और क्या क्या हमें करना चाहिए। आई थिंक जितने लोग शेयर मार्केट में हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं, हमें सबको समझदारी है और अकल है। तो इससे कैसे बचना है, इसके ऊपर टॉपिक मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, लेकिन इसका असर, ये जो हमारा फ्लाइट कैंसिल हो रहा है, फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है, आगे ट्रेन सेवाएं बंद कर दिए गए हैं, ट्रांसपोर्ट आपका बंद है, इसका असर मार्केट में कैसे पड़ सकता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, टोटल सरकार के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक इंडिया में जो केसेस है वो 415 पहुंच चुके हैं, और डेथ केस जो है वो 7 से ऊपर पहुंच चुके हैं। इसका करंट हाल किसी भी टाइम पे परफेक्ट न्यूज आपको अगर देखना है तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेरा दिया हुआ है, इस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएंगे जो वर्ल्ड में क्या स्थिति है और क्या चल रहा है अभी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोरोना वायरस केसेस कितना है, 358,805 केसेस अभी तक हो चुका है, डेथ केस 15,433, रिकवर्ड, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए कितना रिकवर्ड हो रहे हैं, कितना सही हो रहा है, ठीक हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं 106,055 लोग अभी इस बीमारी से सही हो चुके हैं, यानी कि इसका इलाज मिल रहा है, ये एक अच्छी खबर है। तो आपको हर रोज इस जो लिंक है, इस लिंक के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको दिन दुनिया का पता चल सके, वर्ल्ड में कैसे कामकाज हो रहा है, वर्ल्ड में कैसे इस बीमारी को रोका जा रहा है, इसके ऊपर आपको कुछ हद तक आइडिया मिल सके। यहाँ पे आपको कंट्री वाइज, देखिए यहाँ पे एक लिंक दिया गया है व्यू बाय कंट्री वाइज, तो यहाँ पे व्यू बाय कंट्री वाइज का क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेंगे जो कितना डेथ केस किस कंट्री में हुआ है। आप देख पा रहे हैं चाइना में 3,270 लोगों का डेथ हो चुका है, आज की डेट में 9 लोगों का डेथ हुआ है। यूएसए में 467 लोगों का डेथ हो चुका था, आज के दिन में 48 लोगों का डेथ हुआ है। स्पेन में 2,206 लोगों का डेथ हो चुका था, आज के दिन में 434 लोगों का डेथ हुआ है। तो ये तमाम आंकड़े आपके पास आ रहा है। यहाँ पे भी आप इंडिया का भी देख पाएंगे, जो इंडिया का भी ये स्थिति किस तरह तक हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको इंडिया का स्थिति आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो क्लियर और सही न्यूज है इंडिया का, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 467 लोगों का इस केस में जुड़े हैं, न्यू केसेस 71 पाया गया है, डेथ का केसेस 9 है, जो कि आज का दिन का डेथ का केस 2 है। ओके दोस्त, तो आपको इस जो पूरा चार्ट है इसको दिखाने का यही मकसद है कि आप मार्केट में कैसे रहेंगे और क्या देखना चाहिए आपको। देखिए हर रोज आप इस आंकड़े के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो अभी जो मार्केट का स्थिति जो कुछ हो रहा है इस आंकड़े के ऊपर हो रहा है। और आपने इसके बीच में सुने ही होंगे कि हर 100 साल के बीच में देश में एक ऐसे महामारी का स्थिति पैदा होता है। अब ऐसे स्थिति में आगे शेयर मार्केट कैसे रह सकता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में और बातचीत करूंगा। तो चलिए देखते हैं, केंद्र सरकार ने 29 मार्च तक सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ान को रद्द कर दिए गए हैं, और इसके बीच में ही जो रेल सेवाएं हैं
रेल सेवा को भी बंद कर दिया गया है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं देश में जो इनकम है, जो यात्री इसमें फ्लाइट में यात्रा करते हैं, उसका जो स्थिति है वो 1.3 करोड़ हर महीने 1.3 करोड़ और सालाना 14 करोड़ यात्रियां इस घरेलू या यात्रियों से यात्रा करते हैं और इससे सरकार का कितना इनकम होता है। साथ में जो ट्रांसपोर्ट हमारा बंद हो चुका है, रेल सेवाएं बंद हो चुका है, इससे सरकार का कितना नुकसान हो रहा है, इन तमाम चीज के ऊपर थोड़ी सी अगर आप सोचेंगे तो जिन लोग सोच रहे हैं कि ये इन्वेस्ट के लिए अच्छा समय है, अच्छा टाइम है, मेरा सोच विचार के हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट के लिए सही समय नहीं है। क्यों मैं ये बात बता रहा हूं, क्योंकि आप थोड़ा सा आंकड़ा यहाँ पे लगा लीजिए कि अभी अगर मार्केट ऐसी स्थिति हो रहा है और सारे बिजनेस ठप हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ठप हो रहा है, क्या इसका असर हमारा जीडीपी ग्रोथ पे नहीं पड़ेगा? अगर इसका असर जीडीपी ग्रोथ पे पड़ रहा है तो जीडीपी ग्रोथ अगर सही नहीं होगा तो आने वाले दो एक साल तक आपको मार्केट का स्थिति मैं तो सुधरता हुआ नहीं देख रहा हूं। ओके, इसमें मेरा यही सलाह रहेगा, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखे हैं, वो अपना पूंजी जो है यहां से निकाल सकते हैं और निकाल के कोई और सत्र में लगा सकते हैं। अब मैं ये किसी को लिख के तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो मेरा व्यू है वो व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ऐसी स्थिति अभी देखिए कुछ दिन के लिए मार्केट ऊपर चढ़ेंगे, कुछ दिन के लिए गिरेंगे, लेकिन जो ओवरऑल जो स्थिति है अभी आने वाले दिन में जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, क्या उसमें बाकी रिजल्ट अच्छे आएंगे कंपनी का? आई थिंक बहुत अच्छा नहीं आना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर बहुत ही खराब स्थिति होने वाला है। अब इसके ऊपर सरकार का कोई ठोस कदम उठाएंगे, जरूर उठाना चाहिए और उठाएंगे भी, लेकिन मेन कहां पे जाके अकड़ता है, मेन जाके रुकता है जीडीपी ग्रोथ पे, क्योंकि हमारा जीडीपी ग्रोथ, हमारा नहीं पूरा वर्ल्ड का जीडीपी ग्रोथ काफी खराब होंगे। और इस स्थिति में जब यहाँ 2-3-6 महीने में जब ये कोरोना वायरस का स्थिति सही हो जाएंगे धीरे धीरे, तो उसके बाद से आई थिंक काफी टाइम लगेंगे मार्केट को सुधारने के लिए। आपको शॉर्ट टर्म के लिए 2-4 दिन के लिए, 2-1 हफ्ते के लिए मार्केट का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो मेन जड़, जो मेन मजबूती मार्केट का, आई थिंक वो आपको 1-2 साल तक ठीक होने का संभावना बहुत ही कम है। तो दोस्त, मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये वार्ता मैं आप लोगों को देना चाह रहा था, जिन्होंने सोच रहे थे जब मार्केट का बॉटम बन चुका है, बॉटम बनकर ऊपर चढ़ेंगे, तो इस बॉटम इतना आसानी से ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। ओके दोस्त, तो आज का ये वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको रोज का निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो मिल जाए, और इस तरह का वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आपको बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है। थैंक यू दोस्त, टाटा बाय बाय।